दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम पुनीत, आपका अपना दोस्त बिजनेस कोच, एक बार फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके लोगों के बीच में बहुत तेजी से एक क्रेज बढ़ा हुआ है और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हमारे फ्रेंड्स के बीच बीच में कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाइए जिससे कि हम मार्केट में जाके जब लोगों से बात करें तो हमारा जो कन्वर्जन है, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे बिजनेस के अंदर या तो प्रोडक्ट या तो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सके, हमारे प्लान के साथ एज ए पार्टनर आ सके। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि कभी भी किसी को प्रोडक्ट या प्लान शेयर करने से पहले ऐसी वो कौन सी चीज़ है जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से वो चीज़ें शेयर करेंगे तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फॉलोवर और आपके बिजनेस में और आपके प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज बता दूं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम सभी लोग कुछ ना कुछ बेचने में लगे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें अपने ब्रेन से ये चीज को निकालना पड़ेगा कि हम कुछ चीज बेचने वाले हैं। यस, वी आर नॉट द सेलर्स, वी आर नॉट द सेलर्स, वी आर द प्रेजेंटर्स। हम एक प्रेजेंटर हैं जो अपने प्रोजेक्ट को या अपने प्रोडक्ट को लोगों के आगे प्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक सेलिब्रिटीज, आप देखते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट बेचते या सेल नहीं करते हैं, वो उस प्रोडक्ट्स के फीचर को आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं और आपका उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट और विश्वास और उनकी फेस वैल्यू आपको मोटिवेट करती है उन प्रोडक्ट या उस सर्विसेज को बाय करने के लिए या यूज करने के लिए। एम आई राइट? ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले तो सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्ट जो चीज आपसे खरीदता है वो क्या चीज है। सबसे पहली चीज वो खरीदता है आपका ट्रस्ट। यस, अगर वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, आपका प्लान जितना भी अच्छा हो, वो कभी आपके प्रोडक्ट या प्लान के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो नेवर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। सबसे पहले आपको अपना ट्रस्ट सेल करना होता है। जब सामने वाला आपसे आपका विश्वास खरीदता है, जब आपको उस पर आपका उसको विश्वास हो जाता है कि यस, जो चीज आप बता रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, जो उसके फीचर बता रहे हैं, जो प्लान के पीछे छुपे हुए बेनिफिट्स बता रहे हैं, वो 100% सच है, ट्रूथ है। और अगर वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा तो 100% वो इस बिजनेस के अंदर, आपकी सिस्टम के अंदर एक बड़ी ग्रोथ ले सकता है। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना सामने वाले को ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो इंसान आपसे चीज खरीदता है वो है आपका ट्रस्ट। दूसरी चीज जो आपको बताना चाहूंगा मैं, दूसरी चीज जो आपके अंदर बहुत जरूरी है जब आप किसी को प्रोडक्ट या प्लान देते हैं, वो है आपका कॉन्फिडेंस। यस, सामने वाला आपसे आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास, आपके प्रोडक्ट के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, आपके प्लान के प्रति, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका पैशन होता है, वो उसको बाय करता है। मगर मैं बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, मार्केट में जाते हैं, प्लान शेयर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, उनको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं होता, उनको अपने मार्केटिंग प्लान पे बिलीव नहीं होता, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव नहीं होता, उनको अपनी अप्लायंस पे बिलीव नहीं होता। इसी वजह से जब वो किसी के सामने प्रोडक्ट या प्लान शेयर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो सामने वाला पर्सन आपके साथ एसोसिएट होने का डिसीजन नहीं ले पाता। तो सबसे पहले, दूसरी जो मैंने आपको बहुत जरूरी बात बताई वो है कॉन्फिडेंस। तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए, अपने कंपनी, प्रोडक्ट, अपलाइन पे बिलीव करिए और आपके कॉन्फिडेंस को आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट 100% बाय करेगा और आपके साथ इन्वॉल्व होने के उसके चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज एक और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोस्पेक्ट आपका बाय करता है, वो होती है आपकी पर्सनैलिटी। यस, अगर आप किसी से बिजनेस की टॉक करने जा रहे हैं, किसी को एक प्लान शेयर करने चाह रहे हैं, जैसे कि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी सेल करते हैं, और जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो आप सोचिए, जब आप किसी को कोई चीज ऑफर करने जा रहे हैं तो सामने वाले का जो माइंडसेट होगा आपको लेके कैसा होगा, और आप अपने आप को कैसे दिखाना चाहेंगे।
आप देखते हैं मार्केट में हम जाते हैं किसी भी शोरूम, दो तरीके के शोरूम है, एक शोरूम के अंदर बड़ी अच्छी लाइटनिंग है, बड़ी अच्छी हाइजीन है, बड़ा साफ सुथरा है, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से चमका रखा है, और उसके बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपको वेलकम करने के लिए डोर पे खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एक शॉप ऐसी है जहां पे हाइजीनिक नहीं है, साफ नहीं है, उसकी साफ सुथरा नहीं है, वो सुंदर नहीं दिख रही है शॉप, उसके बाहर आपको कोई वेलकम, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट ग्रीट करने के लिए कोई पर्सन खड़ा नहीं हुआ, तो हम भी कहीं ना कहीं उस पहली शॉप पे जाने का मन बना लेते हैं. एम आई राइट? तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि वी आर द प्रेजेंटर, वी आर द, हम अपने आप में एक शोरूम है, वी आर द शोरूम्स. तो आपको ध्यान रखना है कि एक पर्सन जब शोरूम में एंटर करने वाला हो, आपसे मिलने वाला हो, आपसे कोई चीज खरीदने वाला हो, तो आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहेंगे. यू शुड बी वेल मेंटेन. आपको अच्छा दिखना पड़ेगा, आपको अच्छे से बात करनी पड़ेगी, आपको सामने वाले को अच्छे से ग्रीट करना पड़ेगा. जब सामने वाला पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को देखता है, तो माई डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा, हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर 60% से ज्यादा रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, हमारी पर्सनैलिटी का होता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इन तीन चीजों का आप ध्यान रखिए. कभी भी किसी पर्सन से जब आप फर्स्ट टॉक करें, पहली बार मिले, तो कभी भी अपने प्रोडक्ट या प्लान को शेयर करने से पहले इन तीन चीजों को शेयर करना जरूर ध्यान रखें कि इन तीन चीजों को आपको फोकस करके चलना है. सबसे पहली चीज जो हमने आपको दोबारा मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, सबसे पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस, सेकेंड वन आपका शोरूम योर पर्सनैलिटी, तीसरी चीज योर ट्रस्ट. यस. और जब भी आप ये तीनों चीजें किसी से बात करते हैं, शो करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो आपको लोग आपकी खरीदते हैं वो होती है आपकी स्माइल. यस. अगर आप खुद देखिए, आप एक भीड़ में, एक फील्ड में, आपके सामने दो लोग हैं, एक का बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, वो स्माइल नहीं कर रहा है, और एक पर्सन आपके सामने दूसरा खड़ा है, वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, तो आप किससे मिलना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमारा ह्यूमन नेचर स्माइल वाले पर्सन की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं. तो इसी तरीके से जब भी आप किसी को प्लान या प्रोडक्ट जब शेयर करते हैं, तो इन तीन चीजों के साथ एक चीज को जरूर वेयर करें, वो है आपकी स्माइल. स्माइल को वेयर करना सीखे माय डियर फ्रेंड्स. तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो को देखा, और इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत सारी इस टॉपिक में मिलती रहेंगी. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.